Good morning students, myself Bhavin sir. Today we are here for learning math standard 5. So let's start our chapter. Already we had started a chapter about a fraction, right? And then we had written lots of in the fraction. Now we have to go ahead. Now see, this is matching. ये matching का हम पूरा करते हैं. इट इज़ ऑफ पेज नंबर 54 पेज नंबर वर्कबुक में है. एवरी वन मस्ट ओपन योर वर्कबुक एंड राइट डाउन दिस. अब मैं एक दो करके बताता हूँ कैसे करना है, वो आप देख लो. दिस इज़ ईयर थ्री पार्ट्स गिवन. तो ये पहले ऐसे पेंसिल से ऐसे इक्वल पार्ट्स लगा लो. अब देखो ये थ्री टोटल फोर पार्ट्स हुए, उसमें से 1, 2, 3 मतलब दिस इज़ वी कैन से 3/4. अब 3/4 कहाँ है, ये रहा. सो दिस वे यू मैच इट विद 3/4. ओके, सो ऐसे आपको ये पूरा मैचिंग करना है. एंड यू नो इट वेरी वेल, पहले हमने किया है, सिखाया है. सो दिस इज़ रिमेनिंग, यू राइट एज अ होमवर्क. ऐसे मैचिंग करना है और ये पूरा आपको होमवर्क कर देना है. हमको वी हैव टू राइट सम मोर क्वेश्चंस. That's why now we have to take new questions. इसके बाद वाला question देखो, वो question क्या रहा है. Write the missing number, the box as shown, equal parts. Now see, this is total 1, this is 1/2. तो ये भी क्या हो गया, 1/2. ये part total 1, 2, 3, 4 part है, उसमें से 1 number, first number क्या है, ये भी 1/2. तो ये टोटल एक पार्ट को 1/4 बोलेंगे, इसमें दो है इसलिए 1/2 बोलेंगे, राइट. दिस वी हैव टू राइट डाउन. और ये देखो ये 1/5, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 में से ये भी 1/5, राइट. ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5. अब ये 1, 2 ऐसे इसको 10 पार्ट्स पर देते, लाइन दौड़ देंगे. नाउ हियर आर द 10 पार्ट्स, यू सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ईच पार्ट इज नोन एज 1/10. हर एक पार्ट को 1/10 बोलेंगे यहाँ पे, राइट. हियर ईच पार्ट्स आर गिवन 1/10. सो दिस वे वी हैव टू सी राइट द आंसर, राइट. सो ईच पार्ट्स आर 1/10. देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब ऐसे ही ये सब करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क, ये आप होमवर्क कर सकते हो. दिस इज यू राइट डाउन योर सेल्फ इन योर नोटबुक. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द पिक्चर शोज 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर. तो ये फ्लावर में 1/5 मतलब ये फ्लावर, ये पेटल है 1/5. कंप्लीट द पिक्चर्स बाय ड्राइंग. तो ये 1/5 है मतलब हमको टोटल 5 पेटल शॉर्ट हो गए. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस वे 5 पेटल्स. 1, 2, 3 हो गया, ये 4 और ऐसे 5. सो ऐसे 5 पेटल्स आपको ड्रॉ करनी है, राइट. देन नाउ सेम ईयर 1/3 बोला है, मतलब टोटल 3 ब्लेड्स ड्रॉ करनी है. तो 1 ब्लेड तो है, मेक 1, दिस इज अ फैन. तो 1/3 पार्ट्स ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर्स. तो और 3 ब्लेड्स ड्रॉ करेंगे, राइट. सो और 3 ब्लेड्स आपको जैसे आए ऐसे ये ब्लेड, फैन की ब्लेड ड्रॉ करनी है. क्योंकि 1/3 है मतलब ये फैन में कितनी ब्लेड होगी, 3 ब्लेड होगी. तो 1, फिर ऐसे जॉइंट करके जैसे आपको आए ऐसे 3 ब्लेड्स ड्रॉ कर देंगे. ओके, एंड दिस वे यू कंप्लीट द पिक्चर्स. ऐसे आपको यह पिक्चर कंप्लीट करना है. एंड नाउ सी, दिस इज़ 1/2 पार्ट. तो ये 1/2 है मतलब दो और ऐसे दौड़ने पड़ेंगे. तो आपको यहाँ पे
टू ब्लेड्स दौड़नी है, यू हैव टू ड्रॉ टू मोर ब्लेड्स, राइट। और ये थ्री अपॉन फोर्थ पार्ट, वन टू और थ्री टायर है, तो एक टायर आप और दो दो यहाँ पे, राइट। एक टायर आप और ऐसे यहाँ पे दौड़ दो, ऐसे आपको मालूम है कि कितने टायर होते हैं, फोर। सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल। सो ये आपका पूरा पेज होमवर्क, राइट, क्वेश्चन रीड करो और ये होमवर्क में लिख दो। दिस इज राइट इन साइड द वर्कबुक। अब ये वर्कबुक में लिख देना है, ओके। नाउ यू सी, रामू वॉन्टेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स, ही गेव टीनू 1/5 ऑफ द टमेटोज एंड 1/3 ऑफ पोटेटोज, एंड मीनू गॉट 2/5 ऑफ द टमेटोज एंड 3/6 ऑफ द पोटेटोज, डीनू गॉट 1 lakh वेजिटेबल, द लैप वेजिटेबल्स, सर्कल टीनूज शेयर इन रेड एंड मीनूज शेयर इन ग्रीन एंड डीनूज शेयर इन येलो। तो यहाँ पे आपको कलर लेना पड़ेगा। रामू वॉन्टेड टू गिव दोज वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स, ही गेव 1/5 ऑफ द टमेटोज एंड 1/3 ऑफ द पोटेटोज, टीनू को दिया। तो टीनू 1/5 ऑफ द पोटेट टमेटो, तो 1/5 मतलब 5 में से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पोटेटोज है, राइट, एंड टमेटोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टमेटोज है। तो 1/5 ऑफ द टमेटो मतलब ये 20 टमेटो। अब देखो 1/5, तो पहले 1/5 का यहाँ पे लिखते हैं 1/5, और टोटल हमको 20 टमेटोज बनाना है। तो 25 4 20 4 1 4, दैट मीन्स 4/20। तो 4 टमेटोज, 1 2 3 4, ये 4 टमेटोज किसके हुए, टीनू के। मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, राइट। और 1/3 पोटेटो, ये 18 है, तो 1/3 को 18 में कैसे करेंगे, 3 6 18 है ना, तो 3 1 3, तो 3/18 मतलब ये 3/18 हुआ। तो 1 2 3 में कन्वर्ट करेंगे, 3 में सर्कल किया, इसको रेड पेन से करना है, ये तीनों का हो गया। ऐसे ही आपको मीनू का और मीनू के ये तो टमेटो को कन्वर्ट ऐसे कन्वर्ट करने की बात करेंगे, बराबर, टमेटो पोटेटो और दीनू का भी ऐसा करेंगे, उसको अलग कलर से रेड कलर से करना है। सो अंडरस्टूड, आई विल राइट हियर। अब ये टीनू का हो गया। अब मीनू के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मीनू, मीनू 2/5 टमेटो है, तो 2/5 टमेटो है। अब नी टोटल 20 है, तो 20 कब होगा, 5 4 20, ऊपर 4, तो 20 और 2 4 8, 8/20, इसमें 8 में सर्कल करेंगे मीनू के लिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये 8 में सर्कल कर दिया मैंने, और ये किसका हुआ, मीनू का। अब ऐसे 3/6 ऑफ द पोटेटो, तो 3/6, अब 18, तो 6 3 18, 3 9/18 आ गए। सो 9 पोटेटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पोटेटो में सर्कल करता हूँ मैं, और इसी यहाँ पे एम लिख दिया, ओके। ऐसे ही आपको दिनों का भी फाइंड करके लिखना है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन 2, ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। सो दिस इज होमवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस रिमेनिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क, बाकी का होमवर्क करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे एक खेतर है, फील्ड, वो फील्ड का 9 इक्वल पार्ट्स आपको ऐसे ड्रॉ करना है, 9 पार्ट्स है, राइट। अब 9 पार्ट्स है मतलब इसमें से देखो, पोटेटो, पोटेटो कितनी बार है, 2 पार्ट्स में,
So potatoes we can write 2/9 because total 9. Brinjal दो पार्ट में है 2/9. टोमेटो 1, 2, 3 पार्ट में है, इधर 3/9. चिलीज 1 पार्ट में है 1/9. एंड स्पिनेच, चिलीज ही रही, स्पिनेच मतलब भाजी 1/9. सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन इन दिस पेज, ये पेज में आपको ऐसा लिखना है और फिर उसके जैसा हम पीछे क्वेश्चन आंसर जैसे पूछेंगे उसमें से लिख के आंसर लिखेंगे. ओके, सो विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द दिस फील्ड, व्हाट पार्ट, तो आपने लिखा आगे टमेटोज ज़्यादा है, आंसर 3/9 पार्ट्स, राइट, आंसर को बॉक्स बना दो. नाउ ऑन विच पार्ट ऑफ द फील्ड डज द ग्रो पोटेटोज एंड ब्रिंजल, तो पोटेटो 2/9 एंड ब्रिंजल 2/9 हमने आगे लिख दिया है, उसमें से देख के लिखना है. व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज ग्रो स्पिनेच, स्पिनेच 1/9 एंड चिलीज 1/9. देन हाउ मेनी टाइम्स मोर द पार्ट ऑफ द पोटेटो, मतलब पोटेटो कितना टाइम ज़्यादा है स्पिनेच से, तो स्पिनेच 1 टाइम है और पोटेटो 2 टाइम्स है, तो मतलब 1/9 पार्ट्स आर मोर, राइट. सो दिस इज योर आंसर, एवरी वन मस्ट राइट डाउन दिस आंसर इन योर वर्कबुक. ये सब क्वेश्चंस मैंने जो बताया आपको वर्कबुक में लिख देना है, ओके. एंड होमवर्क लिखने के बाद मुझे कमेंट में कमेंट करना मत भूलो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो. गुड बाय, सी यू.